टेलीविजन पर एक साथ एक ही दिन चार बड़े शो का धमाका होने जा रहा है। ये वो चार बड़े और नए शो हैं जिनके आने का शोर शराबा पिछले कई महीनों से खूब हो रहा है। ऐसे में ये चार नए शो एकता के सिंहासन पर भी बड़ा खतरा मंडराते नजर आ रहे हैं। अब एकता कपूर के लिए ये शो कैसे खतरा खड़ा कर सकते हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको ये तो बता दें कि आखिर ये चार बड़े और नए शो कौन कौन से हैं जो 13 जून की रात को धमाका करने आ रहे हैं। देखिए, इस लिस्ट में पहला नाम है कलर्स टीवी का शो हरफुल मोहदी। 13 जून सोमवार से रात 9 बजे के टाइम स्लॉट पर दस्तक देने जा रहे इस शो में शगुन शर्मा और जीबी सिंह लीड रोल में है। शो हरियाणा और साउथ के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। लड़की है साउथ की तो लड़का है हरियाणा का। लड़के और लड़के के अरेंज मैरिज के इर्द गिर्द ये कहानी घूमेगी कि कैसे दो अलग अलग राज्य और कल्चर के लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं। दूसरा शो है यशोमती मैया के नंदलाला। सोनी टीवी पर 13 जून को दस्तक देने वाला ये भी नया शो है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता नजर आएगा। ये शो रात 9 बजे के टाइम स्लॉट पर दस्तक देगा और बता दे कि शो को लेकर पिछले काफी वक्त से खूब बस है। वहीं तीसरे नंबर पर है दंगल टीवी का पॉपुलर शो नागमणि, जो कि सोमवार 13 जून से 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पर दस्तक देगा। शो में आलिया घोष और आदित्य रेडिश लीड रोल में हैं। तो वहीं अगला नाम है एकता कपूर के नए शो का, जिसका नाम है अपनापन। सिजेन खान और आश्री ठाकुर पहली बार इस शो में लीड रोल में नजर आएंगे। इस शो को लेकर पिछले लंबे वक्त से चर्चा हो रही है। हालांकि ये शो बुधवार 15 जून से सोनी टीवी पर रात 10 बजे के टाइम स्लॉट पर दस्तक देगा। वेल, ये तो हो गई एक साथ आने वाले चार बड़े शो की बात। लेकिन इसी के साथ एकता कपूर पर दो बड़े खतरे मंडरा रहे हैं उनके सिंहासन पर। एक है नागमणि शो। दरअसल इस शो को सीधा एकता के नागिन शो से कंपेयर किया जा रहा है। वहीं अब जब शो का पहला एपिसोड आने वाला है तो लोगों में इस शो को देखने की बेताबी बहुत ज्यादा है, और इस शो के आते ही इसमें टीआरपी और दूसरी चीजों के लेकर भी कंपटीशन अब शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरा खतरा एकता का दूसरा शो है, जिसका नाम है अपनापन। इस शो के टीआरपी पर भी लोगों की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि एकता के पुराने शो जैसे कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी तो चल रहे हैं, लेकिन एकता का कोई भी नया शो उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहा जैसे कि उनके पुराने शोज किया करते थे। ऐसे में अब एकता के सिंहासन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिसे कभी टीवी क्वीन कहा जाता था, आज उनके शो का जो हाल हो रहा है उससे एकता के चांद पर गहरा असर पड़ा है। हालांकि अब देखना तो यह है कि इन चारों नए शो के आने से एकता का सिंहासन वाकई में हिलता है या फिर उनका खोया चांद लौट आता है।